कोई सलाम शलाम नहीं देंगे हम। आज इतना गुस्सा आया हुआ है उसे भाई, इतना गुस्सा आया हुआ है भाई, आज जो है ना हम रोस्ट करने वाले। के गेम के बाद से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए कार्लो एंजेलोटी से। जब समर में आपकी पूरी फैन बेस रो रही थी साइनिंग्स के लिए, तब कार्लो एंजेलोटी और आपके जो बोर्ड के मेंबर्स थे वो आपको यही चूर्ण भेजते थे कि वी वोंट मेक एनी मोर साइनिंग्स, आवर स्क्वाड इज कम्प्लीट। और स्पेशली अगर आप बात करें रिसोर्सेज की, जो रिसोर्सेज थे कार्लो एंजेलोटी के पास, टू बी ऑनेस्ट ही डिड वेल। जिस तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया, स्पेशली आपके जो मेन प्लेयर्स इंजर्ड हुए, चाहे वो आप थिबो कोर्तवा की बात करो, चाहे आप विनीशियस की बात करो, या चाहे आप मिलिटाओ की बात करो। तो जब कल की मैंने लाइनअप देखी तो वी हैड सम कंप्लेंट्स अबाउट द लाइनअप, और ये बात मैंने अपनी स्ट्रीम में भी की थी। और कल जब मैच के बाद से कार्लो एंजेलोटी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया गया कि व्हाई जोर्जिन्हो डिडंट स्टार्ट, तो उन्होंने कहा कि बिकॉज आई वॉन्टेड आई एक्स्ट्रा कंट्रोल इन आवर मिडफील्ड। और जब उनसे पूछा गया कि जुआ मैनी को किस वजह से स्ट्राइप नहीं कराया गया, तो उन्होंने कहा कि जुआ मैनी को रेस्ट दिया गया। इट्स जस्ट बुलशिट, सिंपल सी बात है, आपको क्रूज और मॉड्रिच दोनों को स्टार्ट करवाना था, इस वजह से आपने जुआ मैनी को जो है वो बेंच किया। स्टार्टिंग लाइनअप ही आपकी गलत थी। चार मिडफील्डर्स आपके हर गेम में स्टार्ट करते हैं और आपको कितनी पोजिशन चाहिए। एटलेटिको मैड्रिड सेंटर बैक वर वे टू कंफर्टेबल, क्योंकि उनके पास कोई था ही नहीं मार्क करने को। आपकी जो अटैकिंग थ्रेट थी वो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही थी, क्योंकि आप पांच मिडफील्डर के साथ गए थे। सेम डिफेंसिव मिस्टेक्स हुई जो रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट हुई। लेफ्ट साइड से आपकी टोनी क्रूज जो है वो बिल्कुल ट्रैक बैक नहीं करते, जिसकी वजह से फरहान गार्सिया जो कि ऑफेंसिवली जाते हैं, तो जब वो डिफेंस करने के लिए आते हैं, टोनी क्रूज जब ट्रैक बैक नहीं करते तो उनके लिए भी मसले पैदा होते हैं। दोनों गोल में डेविड अलाबा ने अपने मैच को ही कवर नहीं किया। अगर स्पेशली मैं सेकंड गोल की बात करूं तो एल्वारो मोराटा गोल्ड अवे फ्रॉम डेविड अलाबा, और उसको एक सिंपल सा एक फ्री हेडर मिला जिसपे उन्होंने स्कोर किया। सो माई पॉइंट इज, लाइनअप और मिस्टेक्स जो है वो दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। और ऑनेस्टली कल आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे जो कि मेरे ख्याल से टैक्टिकली अगर आप देखें तो काफी सॉलिड है। स्पेशली जब वो स्कोर करते हैं तो उनके अगेंस्ट स्कोर करना एजेंट, जो हमें पता है कि वो किस तरीके की फुटबॉल खेलते हैं, जब स्पेशली वो जब गोल स्कोर करे तो किस तरीके से आराम बॉल खेलते हैं। और कल हमें दिखा जिस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को आउट क्लास किया, और कार्लो एंजेलोटी के डिसीजन जो एजेंट फेवरिंग द टीम। स्पेशली मैं टोनी क्रूज की बात करूंगा कि टोनी क्रूज वॉज अ बिग होल इन यस्टरडेज गेम, एंड स्पेशली यू नीड टू प्ले मोर योर यंगस्टर्स, स्पेशली ओरेलियन चोआमेनी, क्योंकि चोआमेनी ऐसी गेम्स के लिए मस्ट है इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीस विद योर करण अर्जुन। और आई थिंक जोसेलू इज मस्ट फॉर दिस टीम, एटलीस्ट तब तक तो आप उसको अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर रखें जब तक विनीशियस नहीं आ जाते। कल के गेम में मेरे ख्याल से जोसेलू को मस्ट होना चाहिए था अलोंग साइड विद ओरेलियन चोआमेनी। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँ रोड्रिगो की, तो रोड्रिगो उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे जिस तरीके से हमें उससे एक्सपेक्टेशंस थी। स्पेशली जब विनीशियस इंजर्ड होके गए थे तो सब उससे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से विनीशियस हमारी अटैक को लीड करते हैं, रोड्रिगो रियल मैड्रिड की अटैक को उसी तरीके से लीड करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से अटैक को लीड नहीं कर सके। अब तक उनका लालीगा में सिर्फ एक गोल है और उनके सबसे ज्यादा शॉट ऑन टारगेट है, तो इससे लग रहा है कि रोड्रिगो जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप इन पांच मिडफील्डर्स के साथ जाएंगे तो ऑब्वियसली रोड्रिगो पर क्या ही कर लेंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट कार्लो एंजेलोटी सब्स्टिट्यूशंस। जिस तरीके की सब्स्टिट्यूशंस उस बंदे ने की, वो रियल मैड्रिड का मैनेजर है, उसके साथ पूरी मैनेजमेंट है, लेकिन उसको अभी तक पता नहीं चला कि उसको कौन से सब्स्टिट्यूशंस करने चाहिए। जब उसने जोसेलू को सब इन किया तो उसने फरहान गार्सिया को उसी टाइम भी सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर फर्नान मेंडी। आप फरहान गार्सिया से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जब आप जोसेलू को पिच पे लेके आते हैं, जब आप एक ऐसे स्ट्राइकर को लाते हैं जो कि बॉक्स पे चाहते हैं कि उनको डिलीवरी स्पीड की जाए, आपके पास इस वक्त टीम में कौन थे? आप नाचो को ले आए थे राइट साइड से, आपके पास लेफ्ट साइड से आप फर्नान मेंडी को लेके आए थे, आपके पास कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उनको बॉल जो है वो फीड कर सके? वो फरहान गार्सिया ही थे, चाहे वो आप रेन सॉक्सिगास की गेम की बात कर लें या चाहे वो पिछले यूनियन बर्लिन की गेम की बात कर लें। जिस तरीके से वो जोसेलू को बॉल स्पीड कर रहा था, मेरे ख्याल से फरहान गार्सिया से आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन फरहान गार्सिया की यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं बनती थी। फरहान गार्सिया की जगह जिसको आप लाए हैं
2023 में भी आप फर्लन मेंडी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके का क्रॉस अटेम्प्ट उसने किया था, अगर वो आप क्रॉस अटेम्प्ट देखें तो आप बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है रियल मैड्रिड के साथ। और टेपी कवान का भी सेम सीन है, वो 3 से 4 गेम्स अच्छे खेलेगा, उसके बाद वो इंजर्ड होके बैठ जाएगा। ये सीरीज हम देखते चले आ रहे हैं 3-4 सालों से मुस्तकिल डेनी कारवाल 3-4 गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे और फिर इंजर्ड होके बैठ जाएंगे। और ये बात आपके बोर्ड को भी पता है, ये बात आपके मैनेजर को भी पता है। स्टेज आपने रिनाय किया लुकस वाजगस पे, लुकस वाजगस जिनसे एक दंग का क्रॉस नहीं होता, जिससे डिफेंडिंग वर्क मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक आप अपने कैस्टिला के यंगस्टर्स पे क्यों रिलाय नहीं कर रहे। विनीशियस टॉपियस आपके पास 2-3 साल से अकेडमी में है, आपने, मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा कि उसने जो है गेम खेला हो रियल मैड्रिड के लिए, या एटलीस्ट प्री सीजन में उसको मिनट्स मिले हो, मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो अलग बात है। अब अगर आप निको पास की बात करें तो निको पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जी कार्ना एंजेलोटी जो है वो काफ़ी इम्प्रेस है निको पास से, और वो जो है उसको एक नेक्स्ट बिग थिंग मांगते हैं। टोनी क्रूज जो है वो उसको नेक्स्ट बिग थिंग मांगते हैं, लेकिन आप उसको मिनट्स दे नहीं रहे। आप विनीशियस टॉपियस को ट्राई कर ही दे रहे, भाई विनीशियस टॉपियस अच्छे भी होंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, बट एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि वो लुकस वाजगस से ही तो अच्छा खेल लेंगे। सिंपल सी बात है, दिस टीम नीड साइनिंग्स, और सबसे पहले अगर मैं साइनिंग की बात करूँ तो सबसे पहले आपको एक अटैकर की साइनिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आपका जो एक ऑब्सेशन है किलियन एम्बापे के साथ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई दूसरे प्लेयर्स भी मार्केट में हैं, उन प्लेयर्स की तरफ भी आप देखिए। इस वक्त जूलियन अल्वारेस आपके पास ऑप्शन हो सकते थे अगर समर में आप उसके लिए जाते। अगर आप राइट बैक पोजीशन पे सीरियसली कंसीडर करते तो मानो गुस्तो जो है चेल्सी चले गए हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं आपकी जो डिफेंस है, डेविड अलाबा और रूडिगर दोनों जो है वो मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना खास कर रहे हैं, तो आपको एक सेंटर बैक भी चाहिए होता। तो आपको साइनिंग हर शोबे में इस वक्त चाहिए। आपका जो डिफेंस है उसमें आपको रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, और ये चीजें सबको पता है, लेकिन पता नहीं कि क्या सोच रहे हैं और अभी तक क्या कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या क्या कहे बंदा, कहाँ कहाँ बंदा अपना सर मारे, बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ पे मैं अभी भी डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन डू लेट मी नो योर थॉट्स हियर ऑन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू गाइस थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था, या कल के गेम में कार्लो एंजेलोटी ने क्या मिस्टेक्स की।